हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, डीवीज लैब आज स्टॉक के रिजल्ट्स आए और स्टॉक में वन साइडेड गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 2 बजे तक स्टॉक 4350 रुपीज पे था और अभी स्टॉक 3950 पे, यानी कि अगर आप वहां से देखें तो लगभग स्टॉक 400 रुपए करेक्ट हो गया है। और स्टॉक की बात करूं तो 10% स्टॉक करेक्ट हो गया है इंट्राडे में। ऊपर से देखें तो 8% की गिरावट अभी दिख रही है, अगर ऊपर से देखें तो लगभग 9-10% गिर चुका है। 15 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और एवरेज 4 लाख शेयर्स का है। 3 बज रहे हैं करेक्ट और 4 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए। इनफैक्ट मोर देन 3 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। ऐसे में इस गिरावट में जिनकी पोजीशन फंस गई है या फिर अब कोई फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहा है तो प्लीज अभी आप ये वीडियो देख लें। सबसे पहले तो रिजल्ट्स आए हैं स्टॉक के और रिजल्ट्स कैसे रहे जिसके बाद इतनी बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है कंपनी का एग्जैक्टली, जो ऊपर से काफी ज्यादा फिसलता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अगर 52 वीक हाई से देखोगे आप तो स्टॉक में बहुत बड़ी करेक्शन कह सकते हैं आप आ चुकी है। ऑलरेडी 26-27% करेक्ट हो चुका है। अगर ईयर टू डे देखो तो 15%, यानी कि जनवरी 1 से 15% अभी तक करेक्ट हो गया है। और स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट के बाद कैसे आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले रिजल्ट चलते हैं। रिजल्ट से पहले मैं आपको बताऊं, कंपनी ने 30 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कराया, यानी कि 1% के लगभग का डिविडेंड कराया। 30 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड है। अब कंपनी के रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं। पहले प्रॉफिट का नंबर देखते हैं। कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9 बिलियन का पोस्ट करा है 5 बिलियन रुपीज के मुकाबले, यानी कि देखा जाए आपको तो 500 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 900 करोड़ का हो गया है। यार इतना शानदार प्रॉफिट, फिर भी स्टॉक 10% नीचे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू देखें तो 25.2 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू आया 17.9 बिलियन रुपीस के मुकाबले। रेवेन्यू में भी शानदार जंप, 1790 करोड़ से बढ़कर 2520 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। मार्जिन्स में दिक्कत है क्या, मार्जिन की तरफ चलते हैं। 43.85% पे मार्जिन आया, 40.06 से बढ़कर। सब कुछ इतना शानदार होने के बाद ये स्टॉक 8-8.5% करेक्ट हुआ है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, इसी के बारे में अब मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो इस ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव से एक बात करें तो स्टॉक में जो ये गिरावट है, ये मेरे हिसाब से आपको एग्जैक्टली डबल बॉटम फॉर्म हुआ है स्टॉक का 3900 पे। तो 3900 के पास है बिल्कुल 30-40 रुपए। तो एक रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर, मैं कहता हूं शायद ये वीडियो ही काफी लेट पहुंचेगी आप तक 3:30 बजे तक, अगर मार्केट ओपन हो तो मेरे हिसाब से 3900 से आपको एक पिक उठाना चाहिए इसको एसएल के रूप से, क्योंकि मुझे कुछ खराब नहीं दिखा। और या फिर स्टॉक को अवॉइड कर दें, ठीक है। 3900 का लेवल टूटने का कहीं ना कहीं आपको डबल बॉटम का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है हो ही जाएगा ब्रेकडाउन। और स्टॉक उनके बाद स्टॉक काफी ज्यादा बुरी तरीके से गिर सकता है। अगर वो लेवल्स स्टॉक ने तोड़े तो स्टॉक आपको डायरेक्ट 3500-3300 के लेवल्स दिखा सकता है, अगर 3900 के नीचे क्लोजिंग मिली स्टॉक को। तो अभी मैं इस स्टॉक की तरफ जाऊं और थोड़े से फंडामेंटल्स आप सभी के साथ शेयर करूं कि कंपनी फंडामेंटली वाइज कैसी है। तो वहां तो मुझे शायद स्टॉक में बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल्स में जाता हूं और स्टॉक में देखता हूं कि कैसा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है, काफी शानदार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 32% का, ये भी बहुत ही शानदार है। प्राइस टू बुक वैल्यू 11 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो कोई सस्ता शेयर नहीं है। डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो 52% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, 18% FIIs, DIA म्यूचुअल फंड्स की बात करें 13.73% एंड रिटेल इन्वेस्टर 16% के अराउंड होल्ड करते हैं। यार स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आने के पीछे का रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स तो इनफैक्ट अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं मुझे, बट फिर भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है, इसका रीजन समझ नहीं आ रहा। और इनफैक्ट 3900 के अराउंड ही आ गया, 3910 पे आ चुका है स्टॉक। अब स्टॉक के बात करें कुछ लेवल्स के बारे में कि लेवल्स स्टॉक के देख लें तो 100 DMA, 50 DMA देखो तो सारे लेवल्स के नीचे आ चुका है स्टॉक। 20 DMA, 50 DMA, 200, 100 सारे DMA के नीचे आ चुका है। 3900 को स्टॉक ने ब्रेक नहीं करा, अच्छी बात यही है, बात कर रहा हूं मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू। अच्छा, हमने क्या देखा फाइनेंशियली, तो स्टॉक मुझे अच्छा ही दिख रहा है। अभी स्टॉक की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंज है ये देखना चाहता हूं। तो प्रमोटर्स अपनी डिक्रीज करी है शेयर होल्डिंग पैटर्न, बिल्कुल ना के बराबर तो बात नहीं करते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने इंक्रीज करी है और लगभग 0.33% इंक्रीज करी है, तो इंक्रीज अच्छा हुआ है।
अच्छा, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड डिक्रीज हुई है, 36 से 35 रह गई है। FIIs ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो घटाई है 19.30% से घटकर 18.45% रह गई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो यही देखने को मिल रहा है, हल्की सी कमी ही हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुक वैल्यू पर शेयर 11 टाइम्स पे ट्रेड करता है। अगर इसका बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 350 रुपए का है, जो कि 275 रुपए से बढ़कर हुआ है, तो अच्छा इंक्रीज है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कंपनी को वैल्यूएशन अच्छे मिलने चाहिए, बट जो कि मिल भी रही है। अभी फाइनल व्यू देता हूं आपको, करना क्या चाहिए। देखिए, मुझे इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीजन समझ नहीं आ रहा है। रिजल्ट्स के व्यू पे मुझे अच्छा ही दिख रहे हैं रिजल्ट्स, बट फिर भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, यहां से मात्र आधा 1% नीचे 3900, वही एक आपके लिए ऐसा होगा, वो ब्रेक करता है तो एग्जिट कर दें, और नहीं तो आप इस स्टॉक को होल्ड करें। फ्रेश एंट्री भी अगर आप ले रहे हैं 1% की रिस्क के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर लें यहाँ पे 3900 पे। ये आपके लिए करो मरो वाली बात हो जाएगी, काफी बड़ा रिस्क है आपके लिए, क्योंकि स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है वॉल्यूम्स के साथ। अगर ब्रेक करता है तो एग्जिट लें, अदरवाइज आप 4000 रुपए के टारगेट के लिए बाय भी कर सकते हैं। मात्र 20 रुपए का SL है आपके लिए, 3920 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा व्यू है आपके लिए डिवीज लैब के स्टॉक पे। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, पसंद भी। स्टॉक में मुझे कोई कमी दिख नहीं रही रिजल्ट्स वाइज, बट फिर भी स्टॉक गिर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, आप होल्ड कर सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो डिवीज लैब के स्टॉक पे, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।